पिछला वीडियो किसी तकनीकी कारण की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन काफ़ी कलाओं को हमने उस वीडियो में सीखा योग के। देखिए योग जो है आध्यात्म और मन से एक लगाव क्रिया है। योग क्रिया में सर्वथा स्वच्छ मन, निर्मल तन और स्वच्छ आत्मा से आप जब स्मरण करेंगे, वह स्मरण आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके श्वास का जो क्रम, प्रकृति के साथ जो आपका जुड़ाव है वह प्रदर्शित करता है। जब आप योग करेंगे, योग की विभिन्न कलाओं को और उसके लाभ को आत्मसात करेंगे, आपको इसके लाभ प्रत्यक्ष ही दिखेंगे। किस प्रकार का लाभ है योग करने से, देखिए योगासन में हमेशा यह सोचें कि हम अपने शरीर को हल्का महसूस कर रहे हैं। योग करने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर पहले से काफ़ी हल्की महसूस है। ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है जो कि थोड़े ही जगह पर, आप देखिए 8x8 की भी जगह, 9x9 भी की 9 की भी जगह आपको 9x9 फुट की होगी, तब भी आप आराम से योग कर सकते हैं। मैट आती है उसको आप खरीद लीजिए, मैट लगा लीजिए, या तो कंबल पर भी बैठ के कर सकते हैं, या तो चादर भी बैठ के कर सकते हैं, कालीन भी बिछा के कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको उपलब्ध हो। ज़्यादातर लोग मैट पर करते हैं, हल्का होता है, ले आने में सहायक होता है। पार्कों में, स्टेडियम में, कहीं भी बैठ के आप किसी ग्राउंड पर जाके अपना कर सकते हैं। योग को पूर्णतः आप आत्मसात करें और देखें इन कलाओं को। अब हम अगला अभ्यास देखिए करने जा रहे हैं योग पर। विश्व योग दिवस के महत्वपूर्ण मानवता के लिए योग हम कर रहे हैं। अगला अभ्यास हम करते हैं ओम ध्वनि का, बहुत ही बारीकी से आप अनुसरण करें। सत्रह सेकंड मैंने श्वास रुकी, देखिए बड़ा ही अच्छी अनुभूति होती है योग करने पर। योग कला की जो जो क्रियाएं मैंने सिखाई, मैं उसका रिवीजन आपको करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए घर पर रहकर ही कुछ ही योग कलाओं को, कुछ ही योग मुद्राओं को आप सीख कर बड़े ही सहजता से अपने एक नियमित स्वास्थ्य को और स्वस्थ मन हो जाएगा और स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण होगा। देखिए प्रथम जो आसन हमने वह था कपाल, मानव कपाल की तरह प्रक्रिया करने वाला यह आसन। देखिए शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए और यह योग मुद्रा लगाकर इस प्रकार से आप ऐसे श्वास क्रम देखिएगा वीडियो में। यह था कपाल भाति। अगला सेट लेते हैं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
विश्व योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मानवता के लिए योग थीम के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कॉम ब्लॉग समर्पित है काशी की सभी लोक कलाओं, काशी की सभी गंगा स्नान एवं रीति रिवाज पूजा पाठ हर तरह की ब्लॉगिंग काशी की। और मैंने जहाँ पर भी मैं दार्शनिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर गंगा स्नान करता हूँ काशी के बाहर, वहाँ के भी ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ, हर तरह के ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। आप चैनल को सपोर्ट करें। देखें, आज अंतर्राष्ट्रीय योग के दिन मैंने आपको महत्वपूर्ण योगों के बारे में बताया। योग बड़े ही अच्छे और निःशुल्क जो अभ्यास हैं कि आप अपनी शरीर की काया को बनाए रख सकें बिना किसी जिम में जाए, बिना किसी बाहर, अगर आपको समय नहीं है घर में ही आपके पास समय, अपनी यथाशक्ति ही अभ्यास करें। पहले ही नहीं कि सारा अभ्यास कर लें, नहीं, यथाशक्ति अभ्यास करें। शरीर भी सुचारू रूप से श्वास का क्रम चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सांस उखड़ के करते हुए लोग, नहीं, कभी ऐसा नहीं। श्वास के क्रम को एक अभ्यास के तहत आप धीरे धीरे अपने आप को एग्रेसिव करिए। ऐसे नहीं कि पहले ही दिन योग कर लिया और आप बीमार पड़ गए, नहीं, योग करें निरोग काया पाएँ। अब देखिए, हम अगला जो हमने बताया था आपको आसन, वो बताया था अनुलोम विलोम। देखिए, इस प्रकार से हाथ को करें, ये नाक की एक नासिका छिद्र बंद करके, अनुलोम क्रिया, उसके विलोम, ये अनुलोम विलोम इसलिए शासन। उसके बाद शिवा धुन की आप ओम की परिकल्पना करें। ओम, श्वासों को लें, श्वास को रोकें, यथाशक्ति श्वास रोकें जितना रोक सकते हैं, बस उसके बाद रिलैक्स, श्वास को छोड़ दें। यह भी एक योग क्रिया बहुत ही अच्छी रिलैक्स करती है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। ओ तकरीबन 16 सेकेंड श्वास मैंने रोकी होगी। तो इस प्रकार से पहले एक मंत्र के आदेश को लेते हुए श्वास को रोकें, यथाशक्ति जितनी शक्ति हो बस उतना ही रोकें, छोड़ दें श्वास, इतना रिलैक्स फील करेंगे आप। ये देखें, यह भी एक मुद्रा है। इस प्रकार के योग क्रियाओं करता हुआ कॉम ब्लॉग आपके समक्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योग का प्रचार एवं प्रसार मैंने किया। और कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल अपने सारे ब्लॉग्स में ऐसे ही रोचक जानकारियाँ और समर्पण स्थापित करता है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण योग कलाओं के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप बताइएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको यह योगा का सेशन कैसा लगा। इस वीडियो के पहले भी एक वीडियो है, तकनीकी कारणों की वजह से वो वीडियो का लास्ट मैं कंप्लीट नहीं कर सका। उस वीडियो का दूसरा पार्ट यही है, योग की मैंने सारी कलाएं पिछले वीडियो में बहुत ही महीनता से बताई हैं और फिर मैंने इस वीडियो में उसका हल्का रिविज़न करते हुए वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। जय महर्षि पतंजलि, जय माँ गंगा, जय श्री राम, जय माँ शीतला, जय माँ गंगा, जय माँ नौमंडी, नौमंडी माता की जय हो। और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए मैं अपने महत्वपूर्ण देव महादेव का भी स्मरण करता हूँ, हर हर महादेव। बने रहें, जमे रहें हमारे YouTube चैनल कॉम ब्लॉग पे। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। देखिए, इन महत्वपूर्ण पड़ावों पर हम आप समापन करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। जय श्री राम।